बड़ी खबरों के साथ। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत, लव ट्रायंगल में हुई या वो ब्लैकमेलिंग का हुई शिकार। लॉकडाउन के बाद वो करियर को लेकर क्या सोच रही थी, वह मुंबई में न रहकर इंदौर में ही लंबे समय से क्यों रह रही थी। इनमें से कुछ सवालों के जवाब एक्ट्रेस ने अपने सुसाइड नोट में दिए। वैशाली ने सुसाइड नोट में राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इस दंपति पर धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी राहुल को रविवार को ही हिरासत में ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने उसे घर से ही पकड़ा। पुलिस को जब सुसाइड नोट मिला तब राहुल घर में ही था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ग्वालियर आए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन और गरीबों को मुफ्त राशन समेत पीएम मोदी के सभी बड़े कामकाज और फैसले गिनाए। उन्होंने कहा कि फिर से चुनाव आने वाले हैं, गलती मत करना, पीएम मोदी पर भरोसा करना और कमल पर ही बटन दबाना। सभा को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जयविलास पैलेस पहुंचे। यहां उन्होंने मराठा गैलरी का शुभारंभ किया। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। इसमें अभी तक करीब एक घंटा बाकी है। सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे। फिलहाल वे राजघाट पहुंच चुके हैं। सिसोदिया पूछताछ के लिए घर से निकले तो पत्नी ने तिलक लगाया, माँ ने पटका पहनाकर आशीर्वाद दिया। खुली कार में लाल लश्कर के साथ निकले। इस दौरान शहादत में गीत बज रहे थे। आम रास्ते पर रैली जैसा नजारा बन गया। बोले, मेरी गिरफ्तारी की तैयारी है और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। रायबरेली की एक स्कूल बस में 15 फीट का अजगर मिला। बस शनिवार की शाम बच्चों को घर छोड़ने के बाद स्कूल कैंपस में ही खड़ी। रविवार को ड्राइवर बस की सफाई करने पहुंचा तो उसे बस के इंजन के पास अजगर फंसा हुआ दिखाई दिया। उनसे इसकी सूचना स्कूल मैनेजमेंट को दी। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया। दिल्ली के शादीपुर इलाके में एक युवक की मौत के बाद तनाव पैदा हो गया। इलाके में माहौल बिगड़ता देख रविवार को आरएएफ की टीम तैनाती की गई। 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात तीन लोगों ने मिलकर नीतीश नाम के एक युवक को पीट दिया। शनिवार रात उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के तीन युवकों पर लगा है। आरोपी की पहचान उफीसा अदनान और अब्बास के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।